वजू के लिए सब तैयार होते हो। तयम्मुम क्या होता है? किसी ने तो सुना भी नहीं होगा तयम्मुम क्या होता है, मगर रब ने क्या फरमाया, मरूब ने क्या फरमाया, किसी ने भी को इल्म नहीं मिला, मगर मेरे रब ने मुझे अता किया कि हम लोगों ने कहीं ना फरमाता हूँ हमने आपके लिए पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया और पाक कर दिया। उस नबी की शान देखो, अपने आप को देखो, जो हमें याद करके वो रोते थे और खाना भी छोड़ देते, हम उसका कलमा भी पढ़ते हैं, नाम भी याद करते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं कहते, इतने काफिल हैं मुसलमानों। कहा है आप इतने काफिल, जिस नबी का सहारा मैंने लिया उस सहारे को छोड़ बैठे हो, कैसे पार हो जाओगे? पार लगना है मुस्तफा के सही गुलाम बनो, अल्लाह के सही बंदे बनो, जो रब करीम ने फरमाया कलमा ताले खफीफा ताले अलल लिसाने। हुजूर ने फरमाया दो कलमे हैं जो जुबान पर भी बड़े हल्के हैं मगर ताजु में बड़े भारी हैं। हल्के हो रब सुना होगा तो आपको नहीं चल रहा, जो हुजूर तुम्हारी सहूलत चाहते हैं कमाल पावर की तरह है, जिंदगी हमारे एक तरफ इसका एक पार पर है एक तरफ की फिर भी भाई है। हाँ वो सवाल हुजूर ने हमें क्या बताया, हम क्या कर रहे हैं, कितनी अफरत का शिकार है हम, हम तो दुनिया के नोट बुक अच्छे करने के लिए, और रब ने क्या फरमाया तुम मेरे हो जाओ ये नोट तुम्हारे पीछे चलेंगे। मेरे पीर फरमाते मिठान वो फरमाते फकीरों अल्लाह अल्लाह करो, ये दुनिया तुम्हारे पाँव में पड़ेगी, ठाकर मार दो फिर भी तेरे पास आए, तुम अल्लाह अल्लाह करो, क्या अल्लाह अल्लाह करते हैं, सुबह भी अल्लाह अल्लाह होता है शाम भी होता हो, अगर 50 आदमी है तो 10 भी नहीं बैठते। तुमने क्या फरमाया है, इसा मरूब रियाद है जन्नत फरतो, तुमने बताया जब तुम रियाद और जन्नत जन्नत के बागों से वो गुजरो तो कैसा हासिल करो, साहिब ने फरमाया अति सुरूप। हम कहां जा रहे हैं मुसलमान, हम तो नरम यार मुसलमान बन गए हैं, शाह समझते हो कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गए, आपको ये पता नहीं मुसलमान होने की 5 शर्तें हैं, पूरी इस्लाम है जिसकी 5 बुनियादे हैं, आप बुनियाद रखी नहीं आपने, चले कलमा पढ़ के तो मुसलमान बनते, कलमा ऐसा पढ़ो कि तुम्हारी सर कलम का दे, अरे सर झुका हो गए तो भी चले ला इलाहा इल्लल्लाह है। शहीद बिन जुबैर को देखो ना बात वो निकल रही, शहीद बिन जुबैर साहबी है, हज्जाज बिन यूसुफ ने उसके कत्ल का इरादा किया, बात याद आ गया बिन जुबैर को देखेंगे, और ये बड़ी कैद बड़ी अच्छी है हदीस है, सही में जब मेरे बड़े आश्चर्य का सारा वाले से हुजूर के आशिक है बड़े से हज्जाज बिन यूसुफ आपका दुश्मन था, नाले बादशाह था, लेकिन उसने अच्छे काम भी किए, अल्तमस के साथ 20 सिपाही दे के जाके नहीं गिरफ्तार कर लिया, अगर सही बिन जुबैर के पास चले गए देखा तो विवाद पड़ा, हमारे शेरा में वो चार कोई तैर रही है जिसमें सोए हुए पता ही नहीं, इतने काफिल होते हैं, छोड़ो मुसलमानों गफलत छोड़ो याद रहो। सही में जो मेरे सलाम बना कौन हो कह लगे हम पंचायत के सिपाही क्यों आए हो गिरफ्तार करना है, अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते अल्हम्दुलिल्लाह मौला तेरा एहसान है अब मैं तेरा जल्द दीदार करूंगा, तेरा जल्द दीदार करूंगा, चल पड़े सिपाही के साथ, हाँ चलते रहे, रास्ते में कर रहा है कि ईसाई था उनका एक इबादत खाना था, वहां रात गुजर गई, वहां ठहरे वो सिपाही ये भी ठहरे, जब आधी रात का टाइम आया तो वो गंजे का जो था नसरानी जैसा हाफिज उसे ऐलान किया भाई सब अंदर हो जाओ, आधी रात को शेर
मेरा दे दो या तुम्हें खा फाल देंगे, सब बंदा चलेगा। जुबैर सही दिन जुबैर का, मैं तो इसकी बना दे लूंगा, मैं एक बना बन की लोगों ने मिले देगी हमें छोड़ो मिले दोगे, मैं उस रब का बंदा हूँ, उस रब का गुलाम हूँ, वो मेरे आएंगे मेरी चौकीदारी करेंगे मुझे खाने के लिए। चाहे बाहर बताओ चले जाते। हाँ वहां की रात हुई, शेर नहीं आई, जो खून खा शेर को दी, इसको देख के लिए दिमाग में देख करके हैरान हो गए। बंदा खड़ा है, खड़े इमाम पढ़ रहे हैं, जब सहने में गए तो हुई शेर नहीं जो खून खा दी, अदर के पाँव चाट रही है, तलने चाट रही है, वो ईसाई देख रहे हैं, पता नहीं नबी है, नबी हो सकता है, और पहुंचे टाट रहे हैं। तो दूर की शान में सुना है हमने, दूर के जानवर भी सजा करते थे, ये नबी होगा पहुंच आट रहे हैं। इतने में शेर भी आ गया, शेर ने भी देखा सहते में, उसने पहुंच आटना शुरू कर दिए, घूमने लगे, चौकीदारी करने लगे, निबाद पाड़ी सुबह हुए चले गए। तो ईसाई भागता हुआ कहा, मुझे कलमा पढ़ाओ, बैयत करके मुसलमान हो गया। वो सिपाहियों में देखा उनके बड़ा अदब एहतराम करने के, मगर मजबूर थे उतारने के जुलूम से, आजाद नहीं सोचे, मजबूर से गिरफ्तार करके पहुंचा। दोस्तों तो ईसाई ने कहा कि आप नबी है, और मैं नबी नहीं हूं, मगर नबी क्या हुआ, नबी का गुलाम हूं, नबी नहीं हो। चले अजाल जुस्म के दरबार में पहुंच गए, कारे को मुख करके खड़े हो गए। अजाल ने कहा इसको कत्ल करो, आपने फरमाया इतनी बच्चा तो वजह नदी फतल सलावत कारे को मुख करके खड़े हो गए। जब अजाल ने सुना वो मालिम तो था, कुरान को जबर तेरे अजाल ने लगाई थी, कुरान को जबर तेरी लगी हुई है, अजाल यूसुफ ने लगवाई थी, और काबे करीम को जब काला गिलाफ है हजरत यूसुफ ने चढ़ाया था, हुजूर ने सफेद मिस्री चादर चढ़ाई सफेद, आज भी सुकाबे करीम के नीचे काले के नीचे सफेद है, हुजूर की सुन्नत है। बहरहाल दोस्तों हजार ने कहा कि मुंह घुमा लो, जब मुंह घुमाया तो फिर क्या कहा, फायदा मारा दबा लो सब मज हो रहा है, इसका मतलब है तुम्हारा मुंह कहीं भी हो मेरा रब का चेहरा उतर ही है, मुझे घुमा दो। उसने जल्लाद से कहा जल्दी कर इसको तलवार मार के गर्दन अलग कर, उसने गर्दन अलग कर दी, वो गर्दन से आवाज आ रही है, सात बार कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, दुबार से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ना मुसलमान हो ना, बोलो ना ला इलाहा दीवार पर निभा, अल्लाह आपको ले जाए, बुजुर्ग रोज की
दीवार के पास नमाज पढ़ो, ऊपर जाली है आपके सर के ऊपर है। तो दोस्तों वो रियाजुल जन्नत है, वो तो जीते जागते जन्नत है, मगर ये भी रियाजुल जन्नत है, ये जन्नत के बाग है। तो शायद साहब ने कहा या रसूल अल्लाह मा रियाजुल जन्नत, फरमाया हलक से कर। तो दो जन्नत के बाग आप क्या है, फरमाया हलके जिक्र के, हलके ये जो जिक्र करते हैं सुबह मुराकबा करते हैं, हल्का बनाते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, जिक्र करते हैं, इसको हलक जिक्र कहते हैं। हम कितनी गफलत का शिकार है, हमारे यहाँ सारे इंतजाम है और हम दुम दे के चले जाते हैं, पीछे नहीं देखते, ये गफलत हमारा। तो क्या फरमाते हैं, वो सही फरमाते हैं कलमतान खफीफतान अला लिसान, दो कलमे हैं जो जुबान पर हल्की है और तराजू में भारी है, और हबीबतान अला रहमान, अल्लाह रहमान बड़े प्यारे हैं, बड़े प्यारे हैं। वो क्या है साहब फरमाए, वो क्या है, सुभान अल्लाह व बिहमदिही सुभान अल्लाह अल अज़ीम, कहे ना क्यों नहीं कहते, वैसे तो नहीं कहते, मेरे पीछे ही पढ़ो ना, अगर कलमा नहीं आता तो निकाह के टाइम में खुद कलमा पढ़ता हूँ, पीछे ही पढ़ो से, ऐसे दूल्हे में कलमा नहीं आता मुसलमानों को, हम इतने यानी गैर जा चुके हैं, शादी हो रही है मुंह में बात है, हरत शर्म की बात है, कलमा वाले पढ़ा पीछे पढ़े नहीं आता, अरे शर्म की बात है, तो मुसलमान है, मुसलमान की औलाद है, इमाम के पीछे जो कलमा नहीं पढ़ता तो मैं जब पढ़ा तुम भी पढ़ो ना, सुभान अल्लाह इमाम हमदी सुभान अल्लाह अजीम, एक बार पानी ना सच्ची नीयत से पढ़ो, पूरी जिंदगी के अमाल है एक तरफ, ये खलीफा एक तरफ, और एक लफ्ज अगर पढ़ा दो वो क्या है, तजर्बे की बात बता रहा हूँ, तजर्बे की बात, आप तो पढ़ते नहीं है मगर मैं आपका तजर्बा ही बता रहा हूँ, तजर्बे की बात, फिर कह दो वह हम दी अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये बहाना है, फिर देखो कि तुम्हारे झोले कैसे भरती है, फिर तुम क्यों चाहते हो मौलवी के पीछे, अरे तक नहीं है तुम्हें तो मौलवी के पीछे वही में पढ़ेंगे, क्या तरह बोल रहे सुभान अल्लाह व बिहमदिही सुभान अल्लाह अल अज़ीम व बिहमदिही अस्तग़फ़िरुल्लाह, एक हज विरोध पढ़ो ना, तुम्हारी अगर खाली जेब खाली हो गई तो मैं मेरे से बोल रहा हूँ, मुसलमानों ने हुज़ूर ने बताया है तो मौलवियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, हम कितने गाफिल हैं, और अल्लाह क्या फरमाता है, या अय्युहल लज़ीना आमनू ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालों अल्लाह का बहुत जिक्र करो, बहुत फिर मुर्शिद फरमाते हैं जिक्र करो, लोग तुम्हें कहे पागल है, अल्लाह का जिक्र लेने में पागल होता है ना भाई, है अल्लाह का जिक्र लेते हैं ना, तेरा मजनू का जिक्र तो नहीं है, अल्लाह का जिक्र है। तो मेरे दोस्तों अल्लाह ने फरमाया बहुत जिक्र करो, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला ने आप सबको हुजूर अलैहिस्सलाम के इरशादात और अल्लाह के इरशादात हमारे तौफीक अता फरमाए, अल्लाह में सही सही अपना बनता और मामूल का उम्मती बनाए, सिर्फ नाम निहाद नहीं, जैसे आज मुसलमान है हुजूर का नाम आता है तो दुरूद नहीं पढ़ते, मुसलमानों में शर्म की बात है, हम दुरूद पढ़ते थे पहले हक नबी हक नबी, इतना जोर से होता था कि दुश्मन के कान बन जाते थे, और आज तुम्हें हक नबी कहने में शर्म आती है, क्यों नबी हक नहीं है, अय्युहन नबी या अय्युहन लज़ीना आमनू इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, हक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता चले कि हक नबी वाले मेरे हो रहे हैं, बाकी उल कान बजते हैं बजे लो, उन पर अल्लाह में इलाही है, आप अपने नबी को हक माने, अन्नबी हक वल कयामत हक वल हिसाब हक वल कुरान हक वल वली हक, अल्लाह ने सब हक बयान फरमाया, हम आले सुन्नत के इसे तो गिनते हैं, वो लोग हम नबी का ज्यादा नाम लेते हैं, जब दुरूद आता है तो जोर से कहते हैं दुरूद को सलाम पढ़ते हैं, यही आयत दुरूद वाली तजरबे की बात कर रहा हूं, रात सोते टाइम उजू से साथ सो जाओ, इसी को सात बार दोहराओ, सरकार की ज्यादा दावत में बैठो, क्या समझते हो दूर, अभी इतने करीब है, इतने करीब है, मैं कुछ नहीं कह सकता,
आपके चार भी आपके करीब करीब कितने मुस्तफा करीब। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें आपको सबको हुजूर का सही उम्मत गुलाम बनाए।